हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आधाना। 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेस। ओके दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1500 मीटर का वर्कआउट। जिन बच्चों का टाइम या जिन एथलीटों का टाइम 4 मिनट है, 4 मिनट से 3:56 कैसे दौड़ें, उसके बारे का आज हम आपको प्रोग्राम बताएंगे। काफ़ी आपके कमेंट्स हैं कि कोच साहब, हमें 3:56 और 4 मिनट के बीच का वर्कआउट आप बताएं, जिससे कि हमारा भला हो सके और आने वाले कंपटीशन में अच्छा कर सकें। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके उसी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो आप चाहते हैं, 1500 मीटर का। लेकिन ध्यान रहे, मैं हर उस वीडियो में ये बताता हूँ कि जब आप शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा और आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और आप बीच में छोड़ते हैं तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। साथ ही ये भी ख्याल रखें, अगर वर्कआउट आपको हार्ड लगता है तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं, स्लो है तो उसको फास्ट कर सकते हैं। साथ में ये भी कहना चाहूँगा, इंजरी से बचें। जब बॉडी लोड में होती है आप बिल्कुल वर्कआउट ना करें, उस टाइम पे आप अपना वार्म अप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये करके छोड़ सकते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छी चलेगी। जब आपकी बॉडी नहीं चलती, आप ज़बरदस्ती करते हैं, तब चांसेस होते हैं इंजरी के। और फिर आप बोलते हैं मेरे घुटने में दर्द हो गया, मेरी मसल खिंच गई या मेरी पिंडी खिंच गई, इस तरह की बातें आती हैं, वो ओवरलोड से ज़्यादा होता है या आपकी ट्रेनिंग कम है। तो आशा करता हूँ अब आपकी समझ में आ चुका होगा और अब ध्यान से देखेंगे। अब चलते हैं हम आपके उस वर्कआउट पर जो आप चाहते हैं। तो हम चलते हैं मंडे से, शुरू है मंडे में। पहले दिन में जैसे मैंने पहले कहा है कि 10 से 15 मिनट आपकी वार्म अप, वार्म के बाद में 4 से 6 स्ट्राइड 80 मीटर, उसके बाद आपका मेन का वर्कआउट आता है। मेन वर्कआउट में आज हम करेंगे केवल 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का जो पेस होगा 3:30-3:35 पर किलोमीटर होगा। और उस ये आपका सुबह का वर्कआउट फिनिश हो चुका है और अब इसमें हम रिकवरी रन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और छोड़ देंगे। शाम का वर्कआउट हम करते हैं तो उसमें केवल 20 मिनट इजी रनिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिनिश करेंगे। पहले दिन का वर्कआउट आपका फिनिश हो चुका है। अब आता है दोस्तों दूसरा दिन। दूसरा दिन में आप क्या करेंगे, आप हिल ट्रेनिंग कर सकते हैं 30 मिनट, या स्टेयर कर सकते हैं 30 मिनट। स्टेयर के बाद में आप जिम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑल बॉडी एक्सरसाइज 30 से 35 मिनट। जिम एक्सरसाइज करने के बाद में आप 5 to 6 60 मीटर स्ट्राइड लगाएंगे तो आपकी बॉडी अच्छी चलेगी। ये मॉर्निंग का वर्कआउट आपका फिनिश होता है। अब हम चलते हैं शाम को। शाम के टाइम पे 4 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, पेस होगा 4 मिनट से 4:10 पर किलोमीटर। इसके बाद आप थोड़ी ABC एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिनिश करेंगे। दो दिन का वर्कआउट फिनिश होगा। अब आता है आपका तीसरा दिन। जो तीसरा दिन है वो आपका बहुत अच्छा है। इस दिन हम थोड़ा स्पीड वर्क करेंगे क्योंकि आपका जो टारगेट है 3:56 और 4 मिनट का है। तो अब हम चलते हैं बुधवार में जो आपका मेन वर्कआउट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1200 मीटर लगाएंगे। एक 1200 मीटर का जो पेस होगा 3:24 एक 1200 मीटर का। इसके बीच आप रिकवरी लेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम 1 किलोमीटर लगाएंगे जिसका पेस होगा 2:52। फिर रिकवरी लेंगे हम 2 से 3 मिनट। इसके बाद आपकी होगी 1 800 मीटर जिसका पेस होगा 2:06। ये आपका वर्कआउट सुबह का ख़त्म हो चुका है और शाम का हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट का मतलब है कि आप अपनी मसाज करेंगे और अच्छी तरह नेक्स्ट वर्कआउट के लिए अपनी बॉडी को तैयार करेंगे। एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जैसे पहले भी मैंने कहा है, ये आपके लिए जस्ट गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा भाई हमें यही वर्कआउट करना है और आपका नहीं आ रहा है तो बॉडी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर बॉडी आपकी इजाज़त नहीं देती और आपकी रिकवरी नहीं होती है तो उस दिन आप वर्कआउट ना करें, मैंने पहले भी कहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं और आप सीरियस होते हैं तो उस सीरियस में जोश में होश खो देते हैं और बॉडी इजाज़त नहीं देती, यानी नहीं चलती। कभी कभी लगता है ना नींद नहीं होती यार, आप कहीं हम घूमने चले गए हैं, आपकी रिकवरी नहीं है, तो उस दिन बॉडी आपकी अच्छी नहीं चलती। और फिर हम जब जबरदस्ती के साथ वर्कआउट करते हैं और उस दिन वर्कआउट अच्छा होता है और तो चांसेस इंजरी के हो जाते हैं। तो कृपया करके इस पर ध्यान दें और बॉडी जब आपकी फिट है तभी उस वर्कआउट को पकड़ें। दूसरा, जिस बंदे की कैपेसिटी 356 और 4 के बीच नहीं है, या 4-5 से लेके और 356 के बीच का जो गैप है, इसके बीच वाले आप वर्कआउट कर सकते हैं। जिनका रेंज नहीं है वो इसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही इस वर्कआउट करें। आता है आपका फोर्थ डेज, 3 दिन आपके ख़त्म हो चुके हैं। फोर्थ डे में हम बॉडी को लाएंगे थोड़ा स्लो फास्ट में। जब स्लो फास्ट में बॉडी को लाते हैं तो बहुत अच्छी फिट होती है और आपकी स्पीड भी आती है। स्लो फास्ट कितने देर करेंगे हम? 20 से 25 मिनट आपका स्लो फास्ट करेंगे। और स्लो फास्ट का टाइमिंग क्या होगा? 90 सेकेंड आप फास्ट करेंगे, 1 मिनट आप स्लो करेंगे। जो 90 मिनट आप फास्ट करते हैं मैक्सिमम 80 से 95% तक आप जाएंगे, जो भी आपकी कैपेसिटी है। जब आप जॉगिंग करेंगे 1 मिनट तो बिल्कुल इजी जॉगिंग करेंगे, लेकिन पैदल नहीं चलेंगे। ये आपका वर्कआउट सुबह का फिनिश होता है। शाम का जब वर्कआउट करेंगे 4 किलोमीटर हमारी रनिंग होगी, जिसका पेस होगा 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 30 सेकेंड पर किलोमीटर। इसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और वर्कआउट आपका 4 दिन का ख़त्म हो चुका है। अब 5वें दिन हम सुबह आते हैं, बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आप सुबह जिम करेंगे। पहले आप वार्म अप करेंगे, थोड़ी स्टार लगाएंगे और फिर जिम की तरफ जाएंगे। जिम में ऑल बॉडी एक्सरसाइज करेंगे 30 से 35 मिनट्स या 40 मिनट। एक एक्सरसाइज जो जिम में होगी कम से कम 3 बार करेंगे। और ये सुबह जब एक्सरसाइज करके आते हैं फिर आप स्टार लगाएंगे 60 से 70 मीटर, 4 to 6 स्टार लगाएंगे और सुबह का आपका सेशन फिनिश होता है। जब हम शाम के टाइम आते हैं, शाम के टाइम आप अच्छा वार्म अप करेंगे और बढ़िया ABC एक्सरसाइज करेंगे और 5 से 6 स्टार लगाएंगे 80 मीटर की और छोड़ देंगे। ये आपका वर्कआउट ख़त्म हो चुका है 5वें दिन का। अब आता है हमारा 6ठा दिन। 6ठे दिन में आपको आवश्यकता है थोड़ी इंडोरेंस की, स्पीड इंडोरेंस मिक्स। तो इसमें आप कैसे करेंगे? इसमें आप हम करते हैं 8 से 10 किलोमीटर हम रनिंग करेंगे। जो पेस इस तरह से होगा, आप 3:35 से शुरू करेंगे पर किलोमीटर और 3:35 से धीरे धीरे आप घटाते लाएंगे 3:20 तक, 3 मिनट 20 सेकंड पर किलोमीटर तक लेकर आएंगे। यह आपका सुबह का सेशन ख़त्म होता है और शाम का आपका रेस्ट होता है। आपका 1500 मीटर का वर्कआउट पूरे 6 दिन का हो चुका है। संडे जब आता है, सुबह संडे में आप रेस्ट करेंगे और बॉडी में अगर रिकवरी नहीं है तो पूरा रेस्ट करेंगे, और बॉडी की अगर रिकवरी हो चुकी है तो शाम को आप नॉर्मल वार्म अप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके और छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप मंडे के लिए तैयार हो सकें। तो ये वर्कआउट आपका फिनिश हो चुका है। आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई टिप्स जो मैंने आपको बताया है वो आपके परफॉर्मेंस में अहम रोल अदा करेंगी, और जब आप उसको तरीके से करेंगे तो आपका बॉडी का तरीका भी बदलेगा, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। और इसी के साथ मैं आपका इंटरनेशनल कोच आपसे विदा लेता हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। फिर आपके साथ आऊंगा जैसे भी आपकी डिमांड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड लक।